ये घटना जिस दिन नेताओं की बेटियों के साथ होगी, ये घटना जिस दिन अधिकारियों की बेटी के साथ होगी, ये घटना जिस दिन मंत्रियों की बेटियों के साथ होगी, उस दिन पता चलेगा कि बेटी का दर्द क्या होता है, क्योंकि आम जनता की बेटियों का दर्द आपको समझ में नहीं आता। आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से घटनाएं महिलाओं पर हो रही हैं और उन घटनाओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बेटियों को केवल सिर्फ शक्ति, उनकी आराधना, उनकी पूजा काली लक्ष्मी दुर्गा सभी रूपों में की जाती है, नवरात्रों में की जाती है, दिवाली पे पूजा जाता है, होली पे पूजा जाता है, लेकिन असल में असलियत ये है कि बेटियों के साथ जिस तरीके के घिनौने कृत्य होते हैं, जिस तरीके के घटनाएं उनके साथ हो रही हैं, वो एक रूह कांपने वाली घटनाएं हैं। साथियों, हम बात कर रहे हैं उस घटना की जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई, एक महिला डॉक्टर के साथ, दरिंदगी के साथ उसको सेमिनार हॉल में उसके साथ रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को चाकुओं से गोदा जाता है, उसके शरीर को एक तरीके से नष्ट कर दिया जाता है रेप करने के बाद भी। हम किस देश में रह रहे हैं? क्या सिर्फ बेटियां केवल लक्ष्मी दुर्गा नवरात्रों तक ही सीमित हैं? वहां पूजा करने के बाद उनके अगले ही दिन महिलाओं का शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं होती हैं, गैंग रेप उनके साथ होते हैं। कुछ दिन हम कैंडल जलाएंगे, कैंडल मार्च करेंगे, उनके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, आवाज उठाएंगे, डीएम कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, उसके बाद फिर वही कुछ दिन बाद वही घटनाएं दोहराई जाती हैं। समझ में आखिर ये नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकारें आखिर इसमें क्या कदम उठा रही हैं? सरकारें नारा देती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार यहाँ बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बेटियां बच नहीं रही हैं। क्या उस बेटी का इतना दोष था कि वो पढ़ लिख गई, या उस बेटी का इतना दोष था कि वो पढ़ लिख करके एक अच्छी नीट की परीक्षा पास करके एक बड़ी डॉक्टर बन गई? जहां इस देश में डॉक्टर जैसे भगवान, इसको डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वही सुरक्षित नहीं है, तो इस देश की जनता जो इलाज से पीड़ित है, जो बीमारी से पीड़ित है, उनका इलाज आखिर कौन करेगा? हमारे यहाँ तो डॉक्टर ही सेफ नहीं है। हमारे यहाँ पे जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रही है, किस आखिर क्यों ऐसी घटनाएं बेटियों के साथ क्यों होती हैं? दूसरा, मुजफ्फरनगर में, बिहार के मुजफ्फरनगर में घटना होती है, भाई एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, उसके भी प्राइवेट पार्ट्स को चाकुओं से गोद दिया जाता है, बुरी हालत कर दी जाती है। आखिर क्यों सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें कौन सा ठोस कदम बेटियों के लिए उठा रही हैं? ये केवल सिर्फ नारा देना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बेटी को बचने देंगे तब तो बेटियां पढ़ेंगी ना, अगर बेटियां पढ़ भी नहीं है तो आप बचने नहीं दे रहे हैं उनको। या तो आपके मंत्री संतरी या आपके अधिकारियों द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है, या फिर जो आम जनता जो एक घटिया मानसिकता अपने दिमाग में रखते हैं, उन लोगों के द्वारा बेटियों के साथ बलात्कार शोषण अत्याचार हो रहा है। यदि सरकार चाहे ठोस कदम उठा कर बेटियों को न्याय दिला सकती है। अयोध्या में आप ले लीजिए, वहां बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया जाता है बलात्कार करके। उस घटनाओं पे आज तक क्या हुआ? अखिलेश यादव बयान देते हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। अरे टेस्ट होगा या क्या चीजें होंगी ये, आप कम से कम आप जो जिसने ये घटना करी है आप उनके पक्ष में तो ना खड़े रहिए ना। ये घटना जिस दिन नेताओं की बेटियों के साथ होगी, ये घटना जिस दिन अधिकारियों की बेटी के साथ होगी, ये घटना जिस दिन मंत्रियों की बेटियों के साथ होगी, उस दिन पता चलेगा कि बेटी का दर्द क्या होता है, क्योंकि आम जनता की बेटियों का दर्द आपको समझ में नहीं आता।
महिलाएं रोडों पे प्रोटेस्ट करेंगी, महिलाएं रोडों पे आवाज उठाएंगी, आंदोलन करेंगी, लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी हमारी आवाज को नहीं उठाया जाएगा। चार दिन आवाजें उठेंगी, कैंडल मार्च किया जाएगा, उसके बाद फिर वही घटनाएं दोहराई जाएंगी। भारतीय महिला सुरक्षा संघ मांग करता है इस बात की कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इन बेटियों के लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जिस तरीके की जो रेप जैसी घटनाएं उनको रोका जाए। रेप ही नहीं, यहाँ पे गैंग रेप किए जा रहे हैं, उनके बॉडी के पार्ट्स को काटा जा रहा है, उनके साथ इस तरीके की शोषण और अत्याचार हो रहा है। जिस तरीके की जो मानसिकता रखते हैं उन लोगों को फांसी की सजा देनी चाहिए और चौराहे पर जिंदा जला देना चाहिए। यदि सच में अगर आप बेटी के बाप हैं, आप रखते हैं कि आपके अंदर कलेजा है, जिगरा है थोड़ी सी भी बेटियों के लिए सुरक्षा हेतु उनकी आपकी मानसिकता है, तो बेटियों को सच में न्याय देने का काम करिए।